रामगढ़िया हेलो गाइस वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। और भैया व्लॉग शुरू किया है मैंने अपने जो है चंडीगढ़ से, और आज का सरप्राइज ये है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने लिया है न्यू लैपटॉप और ये मुझे गिफ्ट किया है हमारे भैया जी ने। भैया बोले कि आईफोन 15 का क्या करेगा, काम काजी बंदे हो, इससे तुम काम भी कर सकते हो, आईफोन 15 को लेके शो ऑफ करने से फायदा है कुछ नहीं है, तो इसलिए काम करो एडिट करो। क्यों भाभी जी? तो भैया इधर जो है देख लो हमारी भाभी, भुट्टा कितने का दिया है? 20 रुपए का भाई, 20 रुपए। 20 रुपए का? हाँ ठीक है, चाहिए? चाहिए? आप बिल्कुल लेंगे आप लीजिए। तो ये काम कब शुरू किया आपने? मैंने अभी अभी इस बहन के साथ पार्टनरशिप कर ली। अच्छा आते आते देखो ये जो लोग बिजनेसमैन होते हैं ना ऐसा कर देते हैं एकदम, जहाँ देखा इनको पता लगा भुट्टे में इतना पैसा। चलो भाई लेकिन गाइज हमें जो है इस गुड़िया की जो है हेल्प करनी अच्छी लगी तो हमने हेल्प कर दी, हमने अपने भुट्टे खुद ही जो है वो करके गर्म लिखा लिया। चलो जी बहुत बढ़िया, मेरा तो मिल गया। लोग देख रहे हैं ये क्या चल रहा है। लो सर दे दो भाई, आपके लिए भी हमने स्पेशल गर्म कर दिया है। आपको पता है भुट्टे के, सुनो पार्टनरशिप कर लिया हमारी भाभी ने, अच्छी बात है, चलते फिरते पार्टनर बहुत आते हैं। ठीक बाय बाय बेटा, बाय बाय गुड़िया, बाय बाय, बहुत अच्छा लगा। और हमारी भाभी जी ने जो है रास्ते में चलते हुए खुद ही जो है भुट्टा गर्म किया है, भुट्टा खा रही है। टेस्टी होता है बट इसको खाने का एक नुकसान है कि आपके दांतों में फंस जाएगा, फिर आपको ब्रश करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, इस बार में ब्रश तो कर लेंगे ना। मैं ब्रश नहीं करता हूं, देख लो। नहीं दिन में मतलब दूसरी बार कर लेंगे, स्टार्टिंग में एक बार तो एक बार भी ना करो तो चल जाता है। नहीं आपको तो चल बचपन में किसी ने ऐसा किया होगा? क्या आपने भी किया होगा? क्या कि कभी माँ बाप ने बोला हो कि ब्रश कर ले और अंदर जाके खुला करके वापिस आके ब्रश नहीं किया? नहीं मैं ऐसा तो नहीं करता। आप रेगुलर करते हैं? रेगुलर ही करता था। झूठे कहीं क्या, ऐसा कोई बंदा नहीं है जो बचपन में रेगुलर ब्रश करता हो? नहीं हमें करवाते थे, मेरे दादाजी कराते थे ना जबरदस्ती, वो तो किया होगा ना, वो नहाते ना मतलब वो सारा कुछ सुबह ही उठा देते थे और फिर खुद वहीं बैठते थे कि भाई नहाओ और ये करो। आप कमेंट करके जरूर बताना कि ऐसा। हाँ वैसा किया होगा यार किसी, नो डाउट स्किप किया हो। मैंने किया खुद, नाना स्किप किया, नाना स्किप किया है, लेकिन अगर मतलब किया है तो फिर वो ब्रश वगैरह तो किया ही। हम तो ब्रश भी कर जाते थे स्किप, जमाने में ब्रश थे भी क्या? मेरे जमाने में मतलब दातुन नहीं ब्रश भी होता, दातुन तो बहुत किया दातुन। देख लो गाइस ये डायरेक्ट मेरी उम्र पे ताना मारा जा रहा है, कोई बात नहीं भाई, वो इसलिए कि शादी करवा ले। कोई नहीं शादी भी करवा लेंगे। तो भैया सैलून में आ चुके हैं और ओपन कर दिया है अपना वो प्यारा सा जो गिफ्ट था, और अब इसी पे चलेगी एडिटिंग बढ़िया स्मूथली। तो हमारे सर जो है आपको जो है एडिट वेडिट करके दिखाते हैं अभी एक मिनट में, अब भी करके देते हैं, अब भी ठीक करके देते हैं। मेरे को कुछ नहीं मिला आज तक इतना बड़ा गिफ्ट जो आपको मिला है। आप जो ये गिफ्ट लेके बैठे हो ना ये कोई छोटा मोटा गिफ्ट नहीं। जेलसी हो रही है अभी मेरे को। 14 प्रो मैक्स है ये। तो भैया अभी अभी हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही खतरनाक वीडियो जो कि है कमेंट्स रीडिंग की, आप वो वीडियो देखोगे जाके रीत कैलोन ब्लॉग्स पे, और जो कि बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसमें बहुत सारे कमेंट्स ऐसे हैं जिनका जवाब हम देना तो नहीं चाह रहे थे लेकिन देना पड़ेगा। अनुज भैया एक चीज मैं बोलना चाहूंगी कि कई बार ऐसा हो जाता है मुझे आज ना पूरी चीज बतानी है हर चीज के रिलेटेड, तो अगर वो वीडियो मेरी कम्प्लीट इधर नहीं हुई तो बाकी की वीडियो मतलब दो पार्ट में बने पर प्रॉपर बनाऊंगी, एक अनुज भैया के चैनल पे डल जाएगी, आधी मेरे चैनल पे डल जाएगी, क्योंकि मुझे प्रॉपर एक एक चीज आपको बतानी है कि क्या है, क्यों है, कैसे है, कब है। तो भैया आप देख लेना वीडियो जरूर, और जिस जिसको जवाब चाहिए, और जो कमेंट में देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मतलब तो कुछ नहीं है लेकिन वो पिन करते हैं, ठीक है, तो उस पिन के लिए जो रियलिटी है वो भी बता देंगे और पिन करने वाले को भी बता देंगे, वो पिन कौन कर रहा है हमें नहीं पता। देखो कमेंट का हमें तो पता नहीं कौन कर रहा है, कौन करवा रहा है, कौन नहीं, लेकिन जवाब जो बनता है वो हम दे रहे हैं, ठीक है। तो बस मिलते हैं आपसे थोड़ी देर। तो भैया जो आपको बताया था वो वीडियो शूट हो चुकी है, बहुत ही ज़बरदस्त थी, जो सच सच बातें थी वो रीत भाभी ने बताई, और जो मुझसे पूछी गई कमेंट में जो मेरे से मैटर था वो मैंने बताया, ठीक है ना। तो आप जाके देख लो भाई, जिसको दिमाग में फितूर हो ना कि भाई क्या क्या बातें हैं, क्या है, कमेंट में पूछते रहते हैं ऐसे कुछ होते हैं नॉर्मल, ऐसे जिनके पास टाइम नहीं होता, वेल्ले लोग होते हैं, दल्ले लोग होते हैं। तो अब जो है खुशी में पार्टी कर लो भैया, इसी खुशी में जो है मंगाया है पिज़्ज़ा मस्त, तो भाई खा लेता हूँ मैं, ये नक्कू ने पार्टी दी है कि आप इतना देर तक बोले हो ना, अलग सूख गया हुआ।
तो खा लेते हैं पिज्जा, उसके बाद मिलते हैं आपको, ठीक है। तो भैया पहुंच गए घर पे, और ये देखो भैया जब भी घर पे आते हैं ना तो ये लगा लो, ये दो इतनी प्यारी प्यारी जो जान है ना, ऐसे ही इनको कम से कम 10 मिनट की तो पूरा ऐसा ड्यूटी है भाई, खतरनाक। देखो ये प्यार कर करके है ना ऐसे, क्या बात, क्या दे दो किसी को, वो अडॉप्ट करवा देते हैं ना। क्यों और ये भूतम करते हैं ऐसे, मतलब क्यों आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? नहीं नहीं अच्छा, फिर तो किसी दिन आप मेरे को भी बोलोगे, किसी को दे देते हैं, नक्कू को भी बोलोगे। देखा ये घर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ये, हद नहीं होगी। तो गाइस अब आपको मैं बता दूं कि अब हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही खतरनाक खतरनाक रील, मस्त मस्त, तो बस वेट एंड वॉच, वो आप जाके देखना रीत भाभी के उस पे इंस्टाग्राम पे। तो मैंने ड्रेस तो निकाल रही है, ड्रेस मैंने रील बनानी है, ये ड्रेस निकल गई, देख सकते हो ये पजामा ये टी शर्ट, ये क्या मतलब रील, कौन सी रील बनानी है आपको? पजामा टी शर्ट, पजामा रील बनानी। कोई बात नहीं गाइस, कुछ भी पहन लो, रील तो खतरनाक ही बनेगी क्योंकि 14 प्रो मैक्स रील बनती है, ऐसी बात। कपड़े में एडिट किस पे होती है भैया, भी बता दो। एडिट तो आपको पता ही किस पे होती है, लैपटॉप पे होती है। नहीं जो आपको आज नया गिफ्ट मिला है ना, हाँ उसी लैपटॉप पे तो होती है। बताना तो आप वही चाहते हो, बार बार एक ही चीज बोल रहे हैं कि हाँ मैं थोड़ा सा उस चीज को लेके, क्योंकि खुशी जो होती है वो झलकती है ऑब्वियसली गाइस के। तो ठीक है भैया कर लेते हैं काम, फिर उसके बाद मिलते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, और जैसा कि आपको पता है कि मैं दो दो दिन का ब्लॉग इकट्ठा ही डाल देता हूँ क्योंकि मन नहीं होता, कुछ क्रिएटिव काम करने का मन होता है, ये ब्लॉग तो ये है कि जितना है उतना डाल दो। और इधर हमारी जो भाभी जी हैं वो रेडी हो चुके हैं, रोज एक नई ड्रेस देखने को आपको जैसे अनुज भैया गलत बता, आपने इस ड्रेस में मेरी एक वीडियो बनाई थी आज से एक साल पहले, सितंबर या फिर अक्टूबर में बनाई थी। अच्छा अच्छा अच्छा, पुरानी एड्रेस बट पहनी मैंने आज, मतलब मुझे लगता है थर्ड टाइम। आपको डेट भी बिल्कुल एग्जैक्ट याद रहती है क्योंकि मेरे को पता है कि ये मैंने जब ओपनिंग के टाइम पे ली थी ये ड्रेसेस, और फिर उसके बाद मैंने एक बार पहनी या दो बार पहनी, तो वो वही टाइम था अक्टूबर में ही पहनी थी, मेरे पास वीडियो है आपने बनाई हुई है। वकील तो नहीं हो मतलब आप, एकदम डेट वेट ऐसे याद रहती है। तो भैया भाभी के चैनल पे जो है एक ब्लॉग आ चुका है, बहुत ही खतरनाक कमेंट्स का ब्लॉग है, तो जाके वो भी देख लो फटाफट, हमारे भैया कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ जी कुछ कहना चाह रहे, बोल रहे अच्छा इनके मुंह से सुन, मैं तो आज तक नहीं कुछ बुलवा पाई, तेरे से होता है तो भाई तू कर ले। नहीं नहीं ये जब बोलेंगे तो इकट्ठा ही बोलेंगे कुछ ना कुछ खतरनाक, कुछ वहां बोल जाते हैं, फिर कई बार तो कट टू कट काटना भी पड़ सकता है कि। तो कोई बात नहीं, अब तो ना तो रेडी हो गया, बस अभी चलते सैलून में। तो भैया फाइनली पहुंच चुका हूं सैलून में, और आज जो भी नया करेंगे वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो बाकी इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दो। बाय बाय।